हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जो चित्रांश और मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो जो है स्पेशली अपने क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए मैं आपको अपने तरफ से जो ट्रिक्स होते हैं उन्हें सिखाऊंगा, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में अगर हम लोग चीजों को जल्दी सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगने लगता है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है, तो उन चीजों को मैं थोड़ा सा इजी बनाता हूं अपने पैटर्न में, और उन क्वेश्चंस को फिर हम क्या करते हैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। अब इसमें जो स्टेप हमारा होता है सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहां पर अभी जो फर्स्ट वीडियो बता रहा हूं अपने क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, सो ये हमारा थ्योरी बेस्ड है। सिर्फ ये वीडियो हमारा एक थ्योरी बेस्ड रहेगा जिसमें हमने अपने अकाउंटेंसी के ओवरऑल जो थ्योरी मटेरियल हैं उनका मैंने एक कंक्लूजन निकाला है, और एक मैंने इस वीडियो में पूरी चीजें रख दिए हैं, जिससे कि हमें एक वीडियो में अपने अकाउंटेंसी की जो भी थ्योरी मटेरियल है स्टार्टिंग चैप्टर्स के वो हमारा सब कवर हो जाए। इसके बाद से जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो वो हमारी सारी टोटली जो होंगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगी, क्योंकि वहां से हम फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाएंगे और उसके बाद से रूल्स बताएंगे। सो हमारा ये फर्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मटेरियल बेस्ड है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा फिर रूल्स के बेसिस पे आएगा और हमारा फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग में रूल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूल्स जिन बच्चों को क्लियर रहेगा तो ये गारंटी है कि जो रूल मैं बताऊंगा अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर फुल अकाउंटिंग, चाहे वो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए होंगे या फिर 12th के लिए होंगे, फिर बी कॉम सी ए सी एस मीन्स वो कॉमर्स के अगर किसी भी फील्ड में जाता है अगर बच्चा, तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी है। बस रूल क्लियर होने चाहिए, और रूल का जो वीडियो हमारा वो इसके बाद से जो सेकंड वीडियो अपलोड होगा हमारा, उसमें हमारे सेकंड वीडियोस में सारी चीजें आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, जो तो डेफिनेशन होगा स्टार्ट हमारा वो होगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो है इसके हम अपने थ्योरी को देख लेते हैं। तो हम ये जो इसकी डेफिनेशन है वो एक स्लाइड के थ्रू दिखाते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट आगे प्रेजेंट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थ्रू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें डेफिनेशन हमेशा एक राइटर के थ्रू या एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू देनी चाहिए, तो इससे हमारा क्या होता है एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा पड़ता है और डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। सो ये जो डेफिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के थ्रू है। सो द डेफिनेशन इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मीन्स अकाउंटिंग हमारा क्या प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का। फिर क्लासीफाइंग मीन्स हम जितने अकाउंट्स की यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट्स इन द सेंस कहें हम तो हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग सेलिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सभी करते हैं, इनका क्या करते हैं हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और इनका क्या करते हैं हम समराइजेशन करते हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर, मीन्स इनका एक पूरा प्रोसेस होता है जो अभी हमारे आगे की वीडियो में यहाँ पर दिखेगा। सो आगे है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो सबसे इन्वॉल्व यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी अकाउंटिंग में मनी इन्वॉल्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होगी तभी हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन कर पाएंगे। पूरी की पूरी अकाउंटिंग हमारी सिर्फ मनी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, मीन्स पैसे के फॉर्म में होगा तो ही हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट होगा। एंड आगे है ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे यहाँ पर आएंगे जो भी इवेंट्स आएंगे वो एटलीस्ट कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर में होने चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द सेंस कहें हम तो वो सारे चीज़ों को हम मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके फिर, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद से हम अपने सारे रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकें। रिजल्ट फाइंड आउट मीन्स करने का यहाँ पर यही है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का ओवरऑल डेफिनेशन था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हमने देखा है डेफिनेशन और हमारे जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद जो हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब सारी चीजें आप लोग आराम से समझ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए फिर से एक अलग से वीडियो बना सकता हूं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी मटेरियल्स को ही कवर किया है, तो अगर किसी और थ्योरी पोर्शन में आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप बताइएगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा।
सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद जो मैंने नेक्स्ट प्रोसेस लिखा है विच इज अकाउंटिंग साइकिल, इसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे अपने अकाउंटिंग को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे कि किन किन प्रोसेस को हम अडॉप्ट करके अपने अकाउंटिंग को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें फर्स्ट दिखता है कि अपने ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस आफ्टर ट्रांजेक्शंस विल पास जर्नल एंट्रीज, द बैलेंस ऑफ जर्नल एंट्री विल बी पोस्टेड इन टू द लेजर एंड द बैलेंस ऑफ लेजर विल बी पोस्टेड इन टू द ट्रायल बैलेंस। सेम एज इट इज ट्रायल बैलेंस, द बैलेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आफ्टर दैट लास्ट इज बैलेंस शीट। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने नोट किया है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे शॉर्ट में पीएल अकाउंट भी कहते हैं एंड बैलेंस शीट, इसे हम अपने फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। फाइनल अकाउंट या फिर इसे हम अपने चैप्टर का जो लास्ट में नेम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हमारा चैप्टर भी है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की, ये जो मैं बुक से कवर किया हूं ये मैं डीके गोयल की बुक से कवर किया हूं सारी चीजें। तो आप लोग एनसीईआरटी से अदर बुक्स जो है जैसे कि दिव्या शर्मा आते हैं हमारे, ये सारे बुक्स जैसे मेरे अकाउंटिंग में यहाँ पे लगे हुए, तो ये सारे हमारे ये अकाउंटेंसी की हमारी बुक है, ये डीके गोयल राइटर की है। अब इसके बाद से जैसे कि हमने जो भी चीजें कवर किया है तो ये सब सारी चीजें हमारे एनसीईआरटी बुक्स और सारी चीजों में मिल जाएंगी क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग है, बिना इसके हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। सो अब यहां पर हम एक एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बाकी थ्योरीज को हमको देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने लिखा है सबसे पहले ट्रांजेक्शन, सो व्हाट इज ट्रांजेक्शन, सो ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होते हैं, हमारे बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे हम जो भी वर्क करते हैं वो हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं। रेगुलर बेसिस व्हाट, कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, गुड्स की परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है गुड्स का, तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं, गुड्स होते हैं और स्टॉक भी लिखते हैं, तो ये जो दो वर्ड होते हैं, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी प्रोडक्ट की सेलिंग करता है, परचेजिंग करता है, तो वो क्या होता है उसके लिए, गुड्स होते हैं या फिर स्टॉक बोलते हैं। इनका पूरा एक क्लासिफिकेशन है, वो पूरी थ्योरी मटेरियल में है। तो ये मेन सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट इतना था कि एक बिजनेसमैन जो भी अपने प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है उसके लिए गुड्स और स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट थिंग हमारा है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन मैंने लिखा है, तो जो भी परचेजिंग सेलिंग हो रही है गुड्स की वो टू टाइप्स के होंगे, मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शंस एंड द सेकेंड थिंग इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। अब यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, कैश ट्रांजेक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो अब अपने आप को एक बिजनेसमैन इमेजिन अगर कर लें तो क्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी किसी गुड्स की परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहा है तो वो टू टाइप्स में करता है, या तो वो गुड्स को सेल आउट किया और उसके बदले में उसने कैश रिसीव किया, या फिर गुड्स उसने परचेस किया और एक हाथ से पैसा पेमेंट कर दिया। सो ये होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शंस, कि हम गुड्स को परचेस किए, सेल किए और कैश में किए, परचेस करके कैश पेमेंट किए, सेल्स करके कैश रिसीव कर लिए। दूसरी चीज होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन विच इज नोन एज उधार। जैसे कि होता है क्या कि अगर कोई गुड्स हम परचेस करने गए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने कहा कि पैसा हम एक हफ्ते बाद या एक महीने के बाद दे देंगे, तो हमने उधार का, जिसको कहते हैं बैलेंस ड्यू या फिर एरियर, ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हमने परचेजिंग और सेलिंग टू टाइप्स में करते हैं, एक्सपेंसेस इनकम भी होते हैं, ये टू टाइप्स में होते हैं, फर्स्ट इज इमीडिएटली कैश और एक होता है एक्यूरल या फिर हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हमारा ये जो बेस है ये होते हैं। अब यहां पर होता क्या है, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन आएंगे बिजनेस में, परचेजिंग सेलिंग इनकम एक्सपेंसेस, इन सभी को क्या करते हैं हम, एंट्री को पोस्ट करते हैं कहां पे, अपने सबसे प्राइमरी बुक में जो कि हमारा है जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो हमारे होती है, इसे हम जर्नल को डे टू डे बुक भी कहते हैं या डे बाय डे, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होती है। क्योंकि जर्नल में क्या होता है, हम रोज अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी की रिकॉर्डिंग हम अपने जर्नल में करते हैं। फिर जर्नल के बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में। लेजर में क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बताया है अभी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो गई हमारी, उसके बाद से क्या होता है, क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यही डेफिनेशन है और यही हमारा अकाउंटिंग साइकिल है, वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वही हमारे फंक्शंस भी, सब चीज हमारा वही चीज है जो डेफिनेशन में कहा है।
सो लेजर में क्या होता है, हम हर एक अकाउंट को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट मींस व्हाट, कि हम यहाँ पे परचेस के लिए अलग अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स के लिए अलग ओपन करते हैं, कोई डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी ये थ्योरी कंप्लीट होगा तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जब हम रूल बताएंगे तो उस रूल में सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझने हैं कि जितने भी टाइप्स के अकाउंट ओपन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स है उसके अलग ओपन होंगे अकाउंट, परचेज है तो उनके अलग, सेल्स है तो उनके अलग, इनकम है तो अलग, एक्सपेंसेस है तो अलग, जितने भी टाइप सबके अलग अलग सेपरेट अकाउंट ओपन होते हैं हमारे लेजर में। फिर उन सारे सेपरेट अकाउंट को हम पोस्ट करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो दो कॉन्सेप्ट पर बेसिस होता है। द फर्स्ट इज डेबिट एंड द सेकेंड इज क्रेडिट। मीन्स जो बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस के वो दो तरह से होते हैं, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। जैसा कि क्लास 10th में आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे, मैथ्स में तो बताया भी गया होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS, जब इक्वेशन में पढ़ा होगा, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी थोड़ा सा अप्लाई होता है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, मीन्स जो हमारे डेबिट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या है फिर। सो डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कोई प्योर हमारा डेफिनेशन इसकी नहीं होती है। होता क्या है डेबिट एंड क्रेडिट में, हम एक इसका एग्जांपल के थ्रू इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट की बात करते हैं, सो ये हमारे साइड के ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा डेबिट साइड होता है, जो हमारा राइट साइड होता है ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। जैसा कि लिखा भी है, डेबिट हमारे लेफ्ट साइड में है, क्रेडिट हमारे राइट साइड में है। अब इसकी एंट्री जो पास होती है वो रूल के ऊपर पास होती है। रूल मीन्स व्हाट, कि जो हमारा मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में हमारे आने वाला है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा उस वीडियो में कवर हो जाएगा, अभी हम इसे कवर करते हैं सिर्फ। तो ये चीज हमारी एक साथ हो गई। अब इसके बाद से क्या हमारा है, लास्ट थिंग विच इज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। अब यहां पर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से हमें क्या फायदा है बनाने का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो तो हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम उन्हें कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पूछा जाए कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं या फिर कितना लॉस हुआ है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, वो टॉप पर है या फिर एवरेज पे है या फिर लो चल रहा है, लॉस में चल रहा है, तो ये कैसे पता चलता है हमारा, अपने फाइनल अकाउंट के थ्रू जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो यहां से हमें पता चलता है हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन में। इसका एक इक्वेशन है जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मैंने लिखा था, उसी से रिलेटेड ये आया है वर्ड, विच इज एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही कॉन्सेप्ट है। सो एसेट्स जो यहां पर वर्ड बोला गया है, सो एसेट्स के लिए यहां पर वर्ड हो गया डेबिट, मींस एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, एंड लायबिलिटी कैपिटल का जो बैलेंस है ये हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। सो देखो यहां पर फिर आगे बचो ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस है डेबिट, लायबिलिटी एंड कैपिटल का बैलेंस है क्रेडिट। ये पूरा एक हमारा रूल है जिसको मैं एक अपने लैंग्वेज में कहता हूं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स जैसा कि हम कहते हैं ये सारे रूल्स हमारे आने वाले हैं, कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, उसकी बेसिक नॉलेज लेनी पड़ती है। बेसिक नॉलेज कहां से आएगा, उसके रूल्स गाइडलाइंस इन सभी सब चीजों से आ जाते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है ना कि अगर हम एक घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, सबसे पहले जो उस घर को बेस मजबूत करना है, और वो बेस कैसे स्ट्रांग होता है, हमारे पिलर्स के थ्रू। तो हमारे अकाउंटिंग के ही उसी तरह से तीन पिलर्स बनाए गए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो कि हमारा रूल के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया, इसे मैं इरेज कर देता हूं। इन सभी चीजों का क्लासिफिकेशन और भी अच्छे से होगा। फिर हम बात करते हैं इन सब आइटम्स को करने के बाद, यहां पर मैंने एक और चीज शो किया है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, विच इज नोन एज कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो ये ट्रांजेक्शन्स अब क्या है, सो ये हमारे इन्हीं दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स मैंने बताया क्या होते हैं, जब भी हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स की परचेजिंग एंड सेलिंग कैश में करते हैं तो वो कैश ट्रांजेक्शन, और उधार करते हैं यानी कि ड्यू एरियर है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं।
सो जो कैश ट्रांजेक्शन होता है, जैसा कि यहां पर यह वर्ड लिखा हुआ है कैश बुक, सो कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कैश में गुड्स को परचेस करते हैं और कैश में ही गुड्स को सोल्ड करते हैं, सो उसकी एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी, हमारे कैश बुक में। मीन्स कैश बुक रिप्रेजेंट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो भी हमारे कैश हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हीं सब चीजों की रिकॉर्डिंग हमारा कैश बुक में हो जाता है। द नेक्स्ट इज परचेस बुक, सेल्स बुक। अब ये सारे जो है ये हमारे क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। ये कैश ट्रांजेक्शन से था और ये अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। मीन्स जब भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम गुड्स परचेस करेंगे लेकिन क्रेडिट में उधार, तो परचेस बुक में एंट्री करेंगे। सोल्ड करेंगे कोई भी गुड्स लेकिन क्रेडिट पे यानी उधार, तो उसकी एंट्री सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न बुक मीन्स व्हाट, कि अगर हमने कोई गुड्स परचेस किया है और उसमें से कोई गुड्स डिफेक्टेड निकल गया तो हम क्या करते हैं, उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जब रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री होगी हमारे परचेज रिटर्न बुक में। सेम एज इट इज फॉर सेल्स रिटर्न बुक, क्या होते हैं कि अगर हमने किसी को गुड्स बेचा है उसके पास भी तो गुड्स डिफेक्टिव निकल सकते हैं, सो उसने जब हमें रिटर्न किया तो उसकी एंट्री जो हम करेंगे वो कहां करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक। फिर आता हमारा बिल्स रिसेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अब हमारे यहां से अलग हो चुके हैं सब्सिडरी बुक के कॉन्सेप्ट से। जैसा कि ये पूरा हमारा पोर्शन सब्सिडरी बुक का है एक्सेप्ट कैश बुक का, और ये जो हमारा ये है, तो कैश बुक के लिए हमारा अलग चैप्टर है और इन सब चीजों के लिए हमारा एक कंबाइंड चैप्टर है जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। हमारे बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल बुक को अब यहां से हटा दिया गया है, जो कि हमारा एक पर्सनल पूरा एक चैप्टर है हमारे क्लास फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, वहां पर इसका पूरा क्लासिफिकेशन होता है। अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये सारे हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए हो रहे हैं, मीन उधार के लिए। सेम एज इट इज फॉर हमारा जर्नल प्रॉपर, कि जब भी हम इनकम और एक्सपेंसेस उधार में होते हैं तो वो हमारे होते हैं जर्नल प्रॉपर में एंट्री, या फिर ऐसा कोई लॉस जैसे कि बैड डेट, जैसे कि अगर हमने किसी को गुड्स बेचा और उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो जब पैसा हमें नहीं दिया वो पैसा लेकर हमारा भाग गया, तो वो क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस होगा। कोई एक्सपेंसेस हमको पे करना था लेकिन नहीं पे किए, ठीक है, तो कोई इनकम हमें रिसीव होना था लेकिन नहीं रिसीव हुआ, तो क्या हुआ, ये सब हमारे जर्नल प्रॉपर में एंट्री होती है जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो जहां भी कैश इन्वॉल्व नहीं है तो वो परचेस बुक, सेल्स बुक, ये सब जगह हमने एंट्री कर लिया, और जहां पे कैश इन्वॉल्व है उसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर लिया। तो ये हमारा एक पूरा ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मैं अभी बता देता हूं, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने टॉपिक को बोल सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझे एक वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना देंगे। न्यूमेरिकल्स जब हमारे स्टार्ट होंगे तो न्यूमेरिकल में भी मैं हर एक बच्चे की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल की, चाहे वो किसी बच्चे की किसी भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम होगी वो किस तरह से सॉल्व आउट होगा वो मैं अपने वीडियोज में आगे बताता चलूंगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अब रेगुलरली क्लास फर्स्ट ईयर की जो नोट्स हैं और जो भी हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है मैं रेगुलर अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। जैसे क्लास फर्स्ट ईयर है, क्लास ट्वेल्थ है, बीकॉम, सीएससीएस, इन सब ई-कॉमर्स स्पेशलाइज्ड हमारा चैनल है, तो अपलोड होते रहेंगे। अब इसके बाद से हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों के बीच में मैं एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा जो कि मैं यहां पर अब लिखने जा रहा हूं, और उसके बाद से फिर मैं उसका पूरा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करूंगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे इस वीडियो में सारा पूरा जितना थ्योरी का मटेरियल है इंपॉर्टेंट हमारे अकाउंटिंग के पोर्शन में और अकाउंटेंसी के बुक में स्टार्टिंग से, वो सब हमारा इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को पार्ट वाइज भी करके देख सकते हैं या फिर एक साथ भी कंटिन्यू करके देख सकते हैं, एक बार दो बार, तो पूरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सो कहने का सेंस क्या है कि हमने यहां पर डिफरेंस नोट कर दिया तीनों में, और एक यहां पर कॉलम मैंने नोट किया बेसिस ऑफ डिफरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो हमने हेडिंग यहां पर नोट किया हुआ है। कभी भी हम जब भी किसी भी दो चीजों या तीन चीजों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो उनका कोई ना कोई हम बेस लेते हैं। बेस फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि हमें इन दोनों मार्कर्स के बीच में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या कहेंगे, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस लेंगे, और वो बेसिस ऑफ डिफरेंस होगा पहला कलर का। सो कलर में कहेंगे कि ये ब्लैक मार्कर है तो ये ब्लू मार्कर है। सो ये क्या है, जो कलर मैंने कहा वो क्या है, इनका बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो जब भी हम, ये हमारा पूरे अकाउंटिंग में वर्क करेगा, और एज वेल एज जो हमारा कॉमर्स में सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इन सब में जब भी हम थ्योरीज में जब भी
डिफरेंशिएशन आते हैं, और जब भी हम डिफरेंस को नोट करेंगे तो याद रखना है सिर्फ एक ही चीज कि हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम जरूर बनाना है। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। और उसी तरह से जब हम किसी भी चीज की मीनिंग लिखते हैं और उसका डेफिनेशन देते हैं तो हम हमेशा किसी ना किसी राइटर के हिसाब से हम उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो जब राइटर के हिसाब से करते हैं तो इट मींस दैट कि एग्जामिनर यही सोचता है कि बच्चे ने यानी पढ़ा है तभी उसको राइटर का नाम भी याद है और उसको डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो फर्स्ट चीज है हमारा मीनिंग। मीनिंग में मैंने बुक कीपिंग लिया है अकॉर्डिंग टू जे आर बटली बॉय। ये हमारे एक राइटर है, जे आर बटली बॉय ने हमारे बुक कीपिंग की डेफिनेशन दिया है जिसमें इन्होंने कहा है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो ये भी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ही है जैसा कि हमारा अकाउंटिंग था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है। जैसा कि मैंने कहा कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बट बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, यहां पर क्या होता है इन अ सेट ऑफ बुक्स करते हैं। जैसे बिजनेस डीलिंग की बात क्या होती है तो बिजनेस डीलिंग क्या होंगे, परचेजिंग सेलिंग इनकम एक्सपेंडिचर जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है वो सारे हमारे क्या है बिजनेस डीलिंग, और उनको जब हम एक पूरा प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारी होती है बुक कीपिंग। ये हमारे अकाउंटिंग की सबसे प्राइमरी स्टेज होती है, मींस फर्स्ट स्टेप जब हम रखते हैं अपने अकाउंटिंग में तो वही होती है हमारी बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग हम डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हैं बुक एंड कीपिंग। कीप मींस होता है रखना, बुक को रखना और किस तरह से रखना, उसको मेंटेन रखना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की तरह से हम अपने बिजनेस डीलिंग को सेट ऑफ बुक्स में रखते हैं, यही हमारा बुक कीपिंग है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंसेस अकाउंटिंग। सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थ्रू AICPA मींस इसका ये हमारा एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये सारी चीजें अच्छे से लर्न होनी चाहिए, जैसे ही आगे पढ़ाई करते चलेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली लर्न होने लगेगी। सो दैट इसकी डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी अपने स्लाइड में देख चुके हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है जैसा कि मैंने स्लाइड में भी बताया था। सो ये डेफिनेशन हम यहां पर कवर कर देते हैं पूरा। फिर अकाउंटेंसी लास्ट जो मीनिंग हमारा है इट इज अकॉर्डिंग टू द कोहलर। कोहलर भी हमारे एक राइटर हैं, इन्होंने क्या कहा है इट रिफर्स, अभी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दे रहे हैं कोहलर कि इट रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। एंटायर बॉडी, एंटायर बॉडी मीन्स कि बुक कीपिंग में हमने जितना वर्क किया, अकाउंटिंग में हमने जितना वर्क किया, इन सभी का हमें क्या करना, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल जो भी वर्क है, जो प्रैक्टिस है वो हम करते हैं अपने अकाउंटेंसी में, क्योंकि यही हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास फर्स्ट ईयर की जो बुक हमारी है तो ये अकाउंटेंसी, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है अकाउंटेंसी, जिसके अंदर इस बुक में हम क्या करते हैं अपने जितने भी हम थ्योरी प्रैक्टिसेस हैं, थ्योरी मटेरियल न्यूमेरिकल के जितने भी रूल्स हैं वो सभी चीजें अपने हम इस अपने अकाउंटेंसी के पोर्शन में पढ़ते हैं। यही उन्होंने कहा एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, अपने अकाउंटिंग की हम प्रैक्टिस करना सीखते हैं, किस तरह से अकाउंटिंग को सॉल्व किया जाता है, किस तरह से बुक्स को मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज अपने हम अकाउंटेंसी में सीखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टेज और स्कोप। स्टेज एंड स्कोप मीन्स कि किसका कौन सा स्टेज है, कौन सा पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, स्कोप किसका कितना है, किसका छोटा है, किसका ज्यादा है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है। सो स्टेज एंड स्कोप को मैंने एक साथ लिया है। बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन में ये कहा है कि बुक कीपिंग हमारा क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है जब अपने अकाउंटिंग की स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा बुक कीपिंग का होता है। सो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, सो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं अकाउंटिंग क्या हमारा है सेकेंडरी स्टेज, इट इज द सेकेंडरी स्टेज। और आगे क्या कह रहा है स्कोप में इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, मींस क्या हुआ जहां पे बुक कीपिंग अब खत्म होगी वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे बुक कीपिंग क्लोज वहां से फिर बैलेंस शुरू हुआ हमारा अकाउंटिंग के लिए। एंड इट इज अ नैरो इन स्कोप, नैरो मीन्स बहुत छोटा, सकरा हमारा है ये बहुत छोटा होता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट हमारा छोटा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज हमारा बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड नहीं है, तो ये दोनों ही हमारे क्या है एक नैरो इन स्कोप है। लेकिन जैसे ही हम अकाउंटेंसी पे आते हैं तो यहां पर देखिए आप लोग अकाउंटेंसी में लाइन पहले ही है इट इज वाइडर, ये बहुत ही वाइडर इन स्कोप होता है, क्यों, बिकॉज इट इंक्लूड्स बुककीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटेंसी में हम बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करके एक साथ अपने हम अकाउंटेंसी में पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पर सेट ऑफ बुक्स हैं, उन सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करना यहां पर सीखेंगे अपने अकॉर्डिंग टू रूल्स, फिर अकाउंटिंग की पूरी प्रैक्टिसेज हम अपने पूरी अकाउंटेंसी में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेज हम पूरा करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल लॉस जितने सब चीज हम यहाँ पर अपने इस अकाउंटेंसी के अंदर सीखते हैं।
द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव में यहां पर मैंने लिखा है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सो बुक कीपिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना. फिर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारा, क्योंकि असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये कहां से फाइंड आउट होता है, तो जस्ट मैंने इसके पहले ही अभी पढ़ाया है अकाउंटिंग साइकिल. उस अकाउंटिंग साइकिल में मैंने कॉर्नर पे लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं. एंड ये फाइंड आउट क्यों करते हैं? टू नो द वैल्यू ऑफ द बिजनेस और द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, कि मींस हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है या फिर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है. ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? अपने अकाउंटिंग के थ्रू. जब उसकी हम मेंटेनिंग करते हैं, जब किसी चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है. सो असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस, तो अपने बिजनेस की पोजिशन के लिए हो गया. अकाउंटेंसी यहां पर मैंने डैश किया, क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम ही यहां पर तो अकाउंटेंसी है. जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोथ, तो यानी कि यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा बुक कीपिंग का है एंड अकाउंटिंग का, वही दोनों मिलकर हमारा अकाउंटेंसी का हो गया. नेक्स्ट इज नॉलेज लेवल. नॉलेज लेवल मीन्स कि किस बुक को प्रिपेयर करने में हमें कितनी नॉलेज चाहिए और ये प्रिपेयर कौन करते हैं. सो नॉलेज लेवल में बुक कीपिंग मैंने नोट किया है अकाउंट लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज. मीन्स बुक कीपिंग में क्या होता है, हमारे लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है. और जैसे ही मैंने कहा लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, तो इन्हें प्रिपेयर कौन करता है, दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इसका मतलब ये जूनियर स्टाफ मेंटेन करते हैं. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो जूनियर स्टाफ होंगे वो हमारे बुक कीपिंग को मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो क्लर्क्स हो गए या फिर जो भी जूनियर स्टाफ में जो कलेक्शन करते हैं, वो सारे हमारे क्या हो गए, जूनियर स्टाफ की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनकी नॉलेज लेवल क्या होती है, लिमिटेड होती है. बट जैसे ही हम अकाउंटिंग पे आते हैं, वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है. यहां पर हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग कौन मेंटेन करेगा, जैसे सीए हो गए, इनके पास क्या एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है. फिर कोई और भी हमने अच्छी डिग्री लिया है, तो ऐसे चीजों में क्या होता है, हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है जब हम अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं. सो यहां पर ये क्या हो गया, हायर लेवल ऑफ नॉलेज, और इसे मेंटेन कौन करेगा, फिर सीनियर स्टाफ. इसे अगर जूनियर स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं, इसे सीनियर स्टाफ मेंटेन करेंगे. अब अकाउंटेंसी की बात आ गया, तो यहां पर मैंने डैश फिर रख दिया है, क्योंकि ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है. क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम अपने नॉलेज लेवल को देखते हैं, क्योंकि हम तो दोनों को ही इन्वॉल्व करेंगे अपने अकाउंटेंसी में, चाहे वो लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज हो या फिर हायर लेवल ऑफ नॉलेज हो, तो दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट इज हमारा जो है वो है रिलेशन का टॉपिक. लास्ट है हमारा रिलेशन का. सो रिलेशन में मैंने इसमें डैश किया हुआ है, ठीक है. लेकिन अकाउंटिंग में मैंने नोट किया है इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग. इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग मीन्स क्या होगा कि जो हमारा रिलेशन है अकाउंटिंग का, तो ये अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, बुक कीपिंग जो हमने डाटा किया है सारा, ये सारे बुक कीपिंग के डाटा जो है वो डिपेंड हो जाएंगे किसके ऊपर, हमारे अकाउंटिंग. तो इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, तो जो भी डाटा है वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग में. तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बुक कीपिंग क्या, ये सेल्फ डिपेंडेंट है. सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स कि इसके पास सारे ट्रांजेक्शंस आएंगे, ये सेट ऑफ बुक में रिकॉर्ड करेगा, फिर सारा अकाउंटिंग को ट्रांसफर कर देगा. तो यहां पर अपना ये खुद सारी चीजें किया और सारी चीजें फिर इसने क्या किया, अकाउंटिंग को ट्रांसफर कर दिया. जब अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा. जैसा कि ये दोनों को इंक्लूड करता है, इट मीन्स दैट कि जो हमारे बुक कीपिंग के डाटा है और जो हमारे अकाउंटिंग के डाटा है, तो बोथ डाटा आर इंक्लूडेड इन अकाउंटेंसी. ये हमारा इनके लिए डिपेंडेंस हुआ. जैसा कि मैंने लिखा भी है, इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. तो हमारा जो अकाउंटेंसी है, ये हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के ही ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बुक में भी है, लेकिन बुक में थोड़ा सा अलग अलग करके दिया, मैंने इसको कंबाइंड कर दिया है. अब यहां पर कंडीशन क्या है कि हमारा ये डिफरेंस का पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है. हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो के लिए कि हम यहां पर पूरे थ्योरी लेक्चर्स को अपने एक साथ कवर कर दें. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे जो अकाउंटिंग है वो कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर हम कहें कि वो उनके क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में होते हैं. और इसके बाद से जो एक और लास्ट टाइप हो जाएगा वो होगा हमारा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. सो वो भी दोनों अब हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करते हैं. उसके बाद से जब ये पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग फिर अपने रूल पर आएंगे. सो अब हम इसे इरेज करके अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं.
सो स्टूडेंट्स, ये मेरा अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए, अब टाइप्स, ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने तीनों वर्ड्स लिखे क्योंकि क्या कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में किसी और वर्ड से हम अगर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हुए भी हम उनके आंसर्स नहीं दे पाते क्योंकि उसे किसी और तरीके से पूछ लिया था। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं, बट हो सकता है एग्जामिनेशन इस तरह से पूछ ले व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर एक्सप्लेन द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब दिमाग में क्या आएगा, हमने तो टाइप्स पढ़ा, ये सब फील्ड्स कहां से आ गए। तो यही चीज होते हैं कि हमें जितने भी टाइप्स के वर्ड्स आते हैं ये पता होने चाहिए। सो हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, पहले ये टॉपिक को फिर अपने यूजर्स ऑफ और पार्टीज इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग को। सो फर्स्ट देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट टाइप इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हम स्टेप बाय स्टेप सारे टाइप्स को एक्सप्लेनेशन देने चल रहे हैं। सो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो जैसा कि मैंने सभी के लिए एक देखिए बुक में क्या है, बहुत ही थोड़ा सा पैरा में एग्जाम थ्योरीज लिखे हुए होंगे, हो सकता है स्कूल में जो नोट्स बनवाए जाए वो भी ज्यादा बहुत ज्यादा हैवी होंगे, तो लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही हम डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, बस हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, डेफिनेशन का मीन सही निकलना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने ब्लू कलर से मार्कर में मेंशन किया, इसी तरह से मैंने सब टाइप्स के लिए मेंशन किया है क्योंकि इतने छोटे से एक्सप्लेनेशन को अगर आप समझ गए तो आप कम से कम आधे पेज की कॉपी अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल पोजिशन पे खत्म कर दिया है, हम आगे लाइन एड कर देंगे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, हम पहले इस पे आ जाते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितना लॉस हुआ है, यही जानना हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पता चलता है। और इसके साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें यह भी पता चलता है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मींस हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस पोजीशन पे स्टे करता है, ये हमें पता चलता है अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जब प्रिपेयर करते हैं तब। और इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने जो अकाउंटिंग साइकिल बताया था वो सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं, जैसा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट आता है। तो जैसा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहीं पे पीएल अकाउंट बनाए तो तुरंत हमें पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस, और जैसे बैलेंस शीट बताया तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल गई। सो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टर्म था जो हम लोग अकाउंटेंसी में पूरा ओवरऑल पढ़ने वाले ही हैं, क्योंकि ये सारी अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल हाई होता जाता है तब, जैसे अभी क्लास फर्स्ट ईयर में है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्लास ट्वेल्थ में ही पढ़ेंगे, जैसे ही थोड़ा लेवल हाई होगा कुछ स्टूडेंट जो बीकॉम करेंगे सो वो और लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो सीए करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग, सीए सारे टैक्स अकाउंटिंग सोशल ये सब पढ़ाया जाएगा मेंटेन करना। तो जैसे जैसे लेवल हाई होता जाएगा हमारे लाइबिलिटीज भी होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स हमारे। सो इसमें मैंने मेंशन किया असर्टेन टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड। इन सिंपल मीन में कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब मैंने कहा कॉस्ट तो कॉस्ट मींस क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही पर यूनिट प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जाम्पल असर्टेन टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एक प्रोडक्ट अगर हमने बनाया तो उसकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही यही फाइंड आउट करना हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। Of goods produced and services rendered, और जो हमने services provide किए हैं। For example, अगर मैंने कहा ये marker बन रहे हैं तो ये marker कितने रुपए के बन रहे हैं, इसकी per unit cost कितनी होगी, तो इसको बनाने में जो भी cost आया production में जब भी सब मिला के वो इसकी जब accounting करेंगे इसकी cost find out करने के लिए, क्योंकि अगर इस marker की actual price कितनी है ये पता करना हो company को, क्योंकि उसी के according ये इसकी price set करेगी market के लिए, तो इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए ये कैसे पता चलेगा, जब वो मेंटेन करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को। ठीक है, इसी तरह से सर्विसेज रेंडर्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे कोई पर्सन है और कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो कैसे ये सेट किया जाए कि किसको कितनी सैलरी देनी है, तो ये सैलरी भी देना भाई डिपेंड किसके ऊपर करेगा, उसके वर्कलोड के ऊपर, तो वो डिपेंड करेगा हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग, वो क्या वर्क हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट टर्म इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थर्ड टाइप इज
विच इज प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारे सारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का काम करता है, लाइक इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, मीन्स हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा एक प्रॉपर प्लानिंग और उसके ऊपर कंट्रोलिंग दोनों ही होना चाहिए, जिससे हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से प्रिपेयर होता है। मैनेजमेंट मीन्स चीजों को मैनेज करना कि हाउ टू डू, ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर प्रिपेरेशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग किस लिए बनाया जाएगा, सिर्फ एक ही चीज के लिए, टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के टैक्स करते हैं, तो जैसे कि यहां पर एग्जांपल में लिखा है आईटी, आईटी मींस इनकम टैक्स, एंड नेक्स्ट इज जीएसटी। अब यहां पर हम अभी बता देते हैं कि जीएसटी का पूरा एक न्यूमेरिकल का चैप्टर हमारे क्लास फर्स्ट ईयर में है, लेकिन टैक्स को याद करने की मैं एक ट्रिक सिखा दूंगा जिससे कि गारंटी रहेगी कि अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, एक टाइम के बाद भूलने लगती है, लेकिन अगर मैंने एक ट्रिक सिखा दिया तो उस ट्रिक के थ्रू आप कभी भी कोई भी चीजें भूल नहीं पाएंगे। तो टैक्स का जो जीएसटी का पोर्शन है, जब हम जीएसटी चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम वो सारी चीजें एक्सप्लेनेशन आएगी। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही समझना है कि टैक्स अकाउंटिंग में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पर्सन है, वो जो इनकम अर्न करते हैं तो उस इनकम के ऊपर क्या करते हैं, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। सो उसको भी मेंटेनिंग किया जाता है, वो कहां पे, टैक्स अकाउंटिंग में। जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सर्विसेज, फॉर एग्जांपल जीएसटी का फुल फॉर्म ही हमारा होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस की जब बात किया गया, तो जब यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज जो दिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स चार्ज हो रहा है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग क्या होती है, हमारे टैक्स अकाउंटिंग के अंदर नोट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आ रहा है, लास्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करेंगे तो यहां पर मैंने मेंशन किया है प्रोसेस ऑफ identify, measuring and communicating the contribution of business to the society. सिंपल सा कहने का सेंस क्या है कि अगर हम बिजनेस अपना कर रहे हैं तो सोसाइटी में ही तो कर रहे हैं, हमारा बिजनेस किसी जगह पे होगा, तो अगर हम किसी प्लेस पे अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, सेटअप करते हैं, तो वो सोसाइटी ने क्या किया, हमें प्लेस दिया, हम अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिए, बहुत अच्छा बिजनेस चलने लगा, तो फिर क्या होता है, हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, तो वो मैनेजमेंट होता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मुझे लगता है कि आपको सभी अकाउंटिंग के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा डाउट आता है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में क्या है, इसकी कैसे मेंटेनेंस होती है, तो इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। तो मैं अभी गोरखपुर से बिलोंग करता हूं, तो यहां पर भी लेकिन एक ऐसा फर्म है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। सो मैं एक ज्वेलरी की शॉप बताता हूं, जैसे कि अगर मैंने कहा ऐश्वर्या, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखिए, तो जो लोग गोरखपुर सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर जो भी हैं कहीं से भी, तो वो क्या करते हैं अपने सोसाइटी के लिए। तो देखिएगा, तो अपने जब भी हम बाहर निकलते हैं घर के, तो कई जगह हमने चौराहे पर देखा होगा कि हमारे कुछ अच्छे से उसके रिनोवेशन किए गए हैं, कई जगह फाउंटेन्स लगाए गए हैं, पूरा रोड मेंटेन किए गए हैं, डिवाइडर्स अच्छे से लगाए गए हैं, तो ये क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है। जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। सो यही होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। सो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हमारी सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अकाउंटिंग मेंटेन होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टोटल ओवरऑल टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा पूरा नोट्स चल रहा है अच्छे से, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पूरे इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो रहा है, मे बी हम जानते हैं ये 1 आवर अप्रॉक्स चला जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पार्ट पार्ट में भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, या फिर पूरा एक साथ भी देख सकते हैं। और वीडियो में अगर किसी भी पॉइंट में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद से जैसे ही मैंने बात किया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की, जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, सो यूजर्स और पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द अकाउंटिंग, मींस हमारे अकाउंटिंग को करने में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द अकाउंटिंग, द फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सो टाइप्स ना कह के हम यहाँ पे यूजर्स कहेंगे कि हमारे यहाँ पे अब टू टाइप्स के यूजर्स हो गए और पार्टीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो जैसा कि इसका वर्ड है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल मींस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक्सटर्नल मींस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर।
सो इंटरनल में कौन कौन हो जाते हैं, फर्स्ट इज ओनर एंड द सेकंड इज मैनेजमेंट। ओनर मींस जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है वो हो गया ओनर। मैनेजमेंट मींस जो हमारे मैनेजमेंट में सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, जो भी हमारे मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजिशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, इन सभी चीजों को मेंटेन करने का काम हमारा जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है। तो ये हमारे क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस के सारे इंटरनल चीजें जानते हैं। तो ओनर एंड मैनेजमेंट ये हमारे होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर्स। एंड एक्सटर्नल यूजर्स की बात किया जाए तो न्यू इन्वेस्टर्स। अब हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन बाहर से आके हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, सो वो हमारे लिए क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स है। ठीक है, हम जैसे होता है ना कभी कभी हम एग्जाम्पल में कहते हैं कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैंने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या है, हम इन्वेस्टर हुए। और हम जो इन्वेस्टर हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कंपनी के पार्ट हो गए, फिर हम यूजर हैं कंपनी के, लेकिन उस फर्म के हम क्या है, कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स कहे जाएंगे। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का हम कॉन्सेप्ट अभी और अच्छे से बता देते हैं। क्रेडिटर्स मीन सिंपल सा एक वर्ड हम कहेंगे कि जब भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी क्रेडिट पर कोई भी गुड्स परचेस करता है, क्रेडिट पर गुड्स परचेस करना मीन्स उधार परचेस करना। जैसे मैंने पहले ही बताया, क्रेडिट मीन्स होता है उधार। ट्रांजेक्शन हमारे टू टाइप्स के, क्रेडिट एंड कैश। सो जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तब नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब भी हम क्रेडिट में कोई गुड्स परचेस करते हैं किसी से, सो उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। सेम एज इट इज इम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो इम्प्लॉयज हैं और गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे वहाँ गवर्नमेंट है, जो कंट्री में गवर्नमेंट वर्क कर रही है, गवर्नमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट तो नहीं है, हमारे फर्म का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। बिकॉज बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वेंस के हम अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। जैसा कि यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसा कि क्रेडिटर्स मैंने कहा कि हम जब भी किसी से क्रेडिट पे गुड्स परचेस करते हैं तो उस पर्सन को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। सेम एज इट इज फॉर, अगर हम किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, क्रेडिट सोल्ड, तो उस पर्सन को हम डेटर्स कहते हैं, मीन्स डेटर्स भी बोलते हैं, कई जगह डेटर्स भी बोलते हैं। ये पूरा क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, अब जहां पे हम पूरा रूल्स, सारे एसेट्स के टाइप, लायबिलिटी के टाइप्स एंड कैपिटल का पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन करेंगे। सो आज हमारा ये पूरा वीडियो का जो टॉपिक था, मेन थीम, ये हमारा कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपको रेगुलरली उसकी अपडेट मिलती रहेगी। और आपकी जो प्रिपरेशन है, जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपकी प्रिपरेशन नहीं रुकने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, रूल्स से रिलेटेड हमारे वीडियो आने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी कराता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा और इसके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी दोस्तों को इसके, हमारे पूरा इस थ्योरी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से पता चल सके। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।